महाड़ बिल्डिंग हादसे के नायक नावेद से मिलकर मंत्री ने जाना हाल, अपोलो हॉस्पिटल में मुफ्त उपचार का दिलाया भरोसा। रायगढ़ के महाड़ में हुए बिल्डिंग हादसे में दर्जनों लोगों की जान बचाते हुए अपना पांव गंवा बैठे मोहम्मद नावेद को राज्य सरकार ने मदद का बड़ा भरोसा दिलाया है। आज उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत ने बेलापुर के अपोलो हॉस्पिटल आकर नावेद से मुलाकात की और सेहत का हाल जाना। उपचार के लिए आर्थिक मदद देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि नावेद के घायल पांवों का ऑपरेशन हो चुका है और राज्य सरकार उसे आगे हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाड़ दुर्घटना में जो नावेद करके लड़का था उसको देखने के लिए मैं अपोलो हॉस्पिटल में अभी आया हूँ। उसकी प्रकृति ठीक है, पैसे से अमाउंट की वजह से या पैसे की वजह से उसका ऑपरेशन रुक गया है, उसको डिस्चार्ज नहीं देंगे ऐसा जो कुछ था वो मैंने मैनेजमेंट से भी बात किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको डिस्चार्ज 5 या 6 दिन में दिया जाएगा। मी स्वतः नावेदची आता या हॉस्पिटल लावून भेट घेतली। काल जे काही एक वातावरण असं निर्माण झालं होतं की हॉस्पिटलनं 12 लाख रुपये पेशंटकडे मागितलेले आहेत, मी त्याच्या वडिलांची देखील भेट घेतली, स्वतः नावेदची देखील बोललो, असं कुठचंही काम अपोलो हॉस्पिटलने केलेलं नाही। उलट मी आता मॅनेजमेंटशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की डिस्चार्ज देताना सुद्धा त्याच्याकडे आम्ही पैसे मागणार नाही। मी देखील माझ्यापरीनं जे काही सहकार्य करायचं होतं ते काही रक्कम ही अपोलो हॉस्पिटलच्या मॅनेजमेंटकडे जमा केलेली आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की नावेदला डिस्चार्ज देत असताना कुठेही आर्थिक अडचण आहे म्हणून डिस्चार्ज दिला गेला नाही असं होणार नाही। कुठल्या प्रकारचा खर्च आहे तो हॉस्पिटल लावणार नाही? नाही, त्याच्यामध्ये काही स्कीम ज्या आहेत त्याच्यामध्ये देखील त्यांना मी सांगितलेल्या सूचना केलेल्या आहेत की त्याच्यामध्ये बसवावं। रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील त्यांना काही सूचना केलेल्या आहेत, पत्र दिलेलं आहे, पण मला असं वाटतं की पैशासाठी नावेदवरची ट्रीटमेंट थांबेल असं मला वाटत नाही। अशा स्पष्ट सूचना मी मॅनेजमेंटशी देखील बोलताना दिलेल्या आहेत आणि मॅनेजमेंटनं देखील एवढा पुढाकार घेतला आहे की मॅनेजमेंटनं देखील एवढं सहकार्य केलं आहे की कुठच्याही पैशासाठी ट्रीटमेंट थांबवलेली नाही। आज देखील कुठचंही डिपॉझिट न भरता अपोलो हॉस्पिटलनं त्याच्यावर ट्रीटमेंट सुरू केलेली आहे आणि आता देखील मला मॅनेजमेंटनं शब्द दिला आहे की कुठच्याही पैशासाठी त्याच्यावरची ट्रीटमेंट थांबली जाणार नाही, येत्या 5-6 दिवसामध्ये त्याला डिस्चार्ज मिळणार आहे। बता दें की बीते सप्ताह सोमवार की शाम महाड़ की 5 मंजिला तारीख गार्डन बिल्डिंग बारिश के बीच भरभरा कर गिर गई थी। हादसे में अब तक 25 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि रहिवासियों की जान बचाते हुए नावेद को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। इसके ऑपरेशन के लिए अपोलो ने 12 लाख रुपए मांगे थे, जिसका बवाल मचने पर मंत्री उदय सामंत को खुद हॉस्पिटल आना पड़ा। फिलहाल नावेद की हालत ठीक है और सरकार के हस्तक्षेप पर अपोलो हॉस्पिटल ने मुफ्त इलाज का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।